दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं उस पोल का लेके आया हूँ, हाँ, पॉकेट एडिशन के लिए। मैं भूल गया था मेरी पॉकेट एडिशन वाली जनता है, तो मैं लेके आ चुका हूँ। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें, वो आता रहता है। और आज मेरा बर्थडे है, हाँ बर्थडे, आज के दिन वीडियो आएगी, चिंता ना करो। तो छूट गई, अच्छा ठीक है। खैर ये देखो, ये हमारा सबसे पहला टेक्सचर पैक है, नैप 3.7, हाँ 3.7 इसका नाम है, नैप 3.7। ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और इसका आप यूज कर सकते हैं आराम से। मैं इसकी सबके लिंक आपको दे दूंगा। तो ये हमारा पहला वाला है, इससे आपको काफ़ी अच्छी फील आएगी। खैर इसके अंदर तो इस टेक्सचर पैक में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज मिल जाएंगी, जैसे कि ये ओर्स हो गया, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, मैं पानी भी हो गया। और हाँ, इसमें आपको ग्रास भी फुल ब्लॉक मिल जाएगी, हाँ, और विद रियलिस्टिक टेक्चर्स। और मैं आपको इसकी एक वो ग्रास और कुछ दिखा देता हूँ, देखो देखो भाई, देखो यार तुम लोग। और इसके अंदर ना क्या कहते हैं, हर एक चीज़ में नई नई डिटेलिंग है, तो देख सकते हो। जैसे कि देखो फर्नेस कितना बढ़िया दिख रहा है। और मैं इसका ज़रा कॉबलस्टोन दिखाता हूँ, कॉबलस्टोन जो, जैसे कि देखना हर एक में थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस हैं। देखो कॉबलस्टोन का कितना बड़ा चेंज, देखो ये कॉबलस्टोन रहा हमारा, जो देखो कितनी सारी डिटेलिंग ऐड करी गई है। चलो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट। अब अगले टेक्सचर पैक का नाम है फेटवुल। फेटवुल में भी आपको ग्रास बहुत ज़्यादा चेंज दिख जाएगी, वाटर बहुत ज़्यादा चेंज दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जॉइंट सी दिख जाएंगी। और इसके ओर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छा टेक्सचर है ये भी। आप देखो तो पिछले बार में इसकी सारी चीज़ें चेंज थी, इसमें बस टेक्सचर्स को बस इन्हेंस्ड कर दिया गया है। जितना ज़्यादा इसे बढ़ाया चढ़ाया जा सकता था, उतना बड़ा चढ़ा के ये टेक्सचर को शो कर रहे हैं, इतना फेटवुल। और ये मैंने पहले ही नैप दिखा दिया, नैप बहुत अच्छा है वैसे। मैं इसमें कोई रैंकिंग तो करी नहीं है, बस मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। यहाँ पे आपको टॉर्च में भी टेक्सचर चेंज मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने ये है फ्लो HD, इसके बैकग्राउंड में भी चेंज है। तो नेक्स्ट हमारा यही है, क्या कहते हैं, फ्लो HD आपको जो मैंने अभी दिखाया था, इसमें भी कॉबलस्टोन और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज है। और ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना, हाँ थोड़ा सा इसका टेक्सचर मुझे डरावना सा लगता है। बाकी इसके ओर्स पहले जैसे ही हैं, इसके आर्मर में आपको चेंज दिखने को मिल जाएगा, हल्का सा चेंज है, हल्का फुल्का। चलो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें भी ग्रासेस में चेंज है, टेक्सचर में चेंज है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट, जल्दी से अपना नेक्स्ट टेक्सचर लगा। तो मैं आ चुका हूँ अपना पैट्रिक टेक्सचर पैक लेके, हाँ मेरे को थोड़ी हिचकी आ रही है, उसे इग्नोर करें। और बाकी इसमें आप चीज़ें देख सकते हो कितनी ज़्यादा अजीब सी दिख रही है ना, इसमें ओर्स कितने ज़्यादा रियलिस्टिक है, हिचकी को इग्नोर करना, मैं इसको जुगाड़ करके आता हूँ। हाँ तो ये थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है, देखो तो इसमें कितना ज़्यादा रियलिज्म है। इसका नेदराइट का आर्मर भी देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा ही चेंज है और बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा है। इसका डायमंड का आर्मर काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके टूल्स भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएंगे, खाने का पदार्थ भी बहुत ज़्यादा चेंज है इसके अंदर। इसका डायमंड का आर्मर सबसे बढ़िया दिखता है, तो मैं पहन के दिखा देता हूँ। और आयरन का तो भैया, और गोल्ड का चेन का आर्मर बहुत कम डिटेल्स में लग रहा है। इसका यही लेदर का भी बहुत ज़्यादा खतरनाक आर्मर है। बाकी सब में आर्मर में थोड़े शॉर्ट ही चेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा ही चेंज है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्सचर की। और हाँ ये सारे टेक्सचर लो एंड हाई एंड डिवाइस पे काम कर जाएंगे। ये हमारा स्टाइलिश टेक्सचर पैक, इसके और कुछ नैप की तरह हैं। और बाकी आप इसके देख सकते हो कितना बढ़िया दिखता है ये भी, और वुडन और से लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, और डिटेलिंग भी है, अच्छे से चेंज भी है। और ये हमारा आज का लास्ट टेक्सचर पैक है जो आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने एक सरप्राइज टेक्सचर पैक और रखा है, उसे दिखाता हूँ मैं आप। ये देखो तो ये है मेरा लास्ट टेक्सचर पैक, इसके अंदर सारी चीज़ें जो लो एंड डिवाइस के हिसाब से, और सारी चीज़ें नैप टेक्सचर पैक इसका ओनली नाम है। इसमें सारी चीज़ें में चेंजेस करे गए हैं। और ये देखो तो यार कितना मस्त है, इसकी वाटर बकेट देखो, रियलिज्म देखो इसका। और ये लो एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस दोनों पर काम कर जाता है। ये इसकी खाली बकेट है, ये इसकी वाटर बकेट हाथ में कुछ ऐसी दिखती है, लावा बकेट
और ऑक्सीडियन दिखा दिया, और इसमें आप देख सकते हो आइटम्स में कितनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करी गई है, देखो बिल्कुल रियलिज्म। हाँ RTX जैसी फीलिंग, लेकिन RTX आ नहीं सकता। ये ट्राइडेंट देख सकते हो आप, और अभी मेरा ये देखो आर्मर भी देख सकते हो आप। ये मैं खैर मिल नहीं रहा है, मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।